नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। किशनगंज के रामगढ़ वाया मांगरूल रोड पर निर्माणाधीन सड़क कार्य में बनाई गई पुलिया के कच्चे बाईपास रामगढ़ क्षेत्र के लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। बरसात के दिनों में रामगढ़ क्षेत्र में एक माह से टापू बना हुआ है। हर रोज पुलिया के चित्तौड़ा खाल बाईपास और अन्य पुलिया बाईपास पर पानी आने से रोजाना आवागमन बाधित हो रहा है। कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी है। किसान महापंचायत के प्रदेश संयोजक सत्यनारायण सिंह का कहना है कि ठेकेदार की लापरवाही से ये पूरा काम हुआ है जो यहाँ के क्षेत्र के लोग भुगत रहे हैं। साबर और कुशायत पंप हाउस पर कार्य कर रहे ठेका श्रमिकों को 3 माह से वेतन भुगतान और अन्य लाभ नहीं दिया जा रहा। ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को मिलने वाले लाभ और परिलाभ व 3 माह का वेतन नहीं देने का शोषण किया जा रहा था, जिसे लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। ठेका श्रमिकों ने सवार तहसीलदार हरेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपकर 3 माह का बकाया और अन्य परिलाभ नहीं देने पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। थावला कस्बे में 4 जुलाई की रात को टेंट गोदाम में नकबजनी कर चोरी के प्रकरण में मुख्य आरोपी और उसके एक सहयोगी और चोरी का माल खरीदने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जयपुर निवासी सूरज को गिरफ्तार किया है, साथ ही वारदात में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त किया है। आज पड़ोसी में सीसी फुटेज लगा लिए, जिसके आधार पर एक पिकअप और 2 संदिग्ध व्यक्ति सामने नजर आए हैं, जिनकी तलाश के विशेष प्रयास किए गए, मुखबिर मामले किए गए। मुखबिर मामले पर जानकारी की गई तो जानकारी हुई कि थावला में निवासी बागत राजपूत और इसका एक साथी है, जो रात्रि को चोरी पिकअप पर सामान डालकर ले गए। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर के तत्वाधान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2021-22 के तहत सिरोही में मशाल रथ यात्रा निकाली गई। मशाल रथ यात्रा शहर के अहिंसा सर्किल से शुरू हुई, जिसमें जिले से निकलने वाली यात्रा को मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिरोही डॉक्टर टी शुभमंगला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मशाल रथ यात्रा जिले में घूमकर खेलों को बढ़ावा देने का संदेश देगी। किशनगंज क्षेत्र में स्कूलों का बुरा हाल हो रहा है। कई स्कूलों के भवन जर्जर स्थिति में हैं तो कई स्कूलों में अध्यापक समय पर नहीं आ रहे हैं, जिससे पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है। किशनगंज उपखंड क्षेत्र के मायथा गांव में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों के नहीं आने से स्कूल के छात्र छात्राओं को स्कूल के गेट पर ताला लगा होने पर गेट के बाहर ही अध्यापकों का इंतजार करना पड़ रहा है। गाँव वालों ने शिक्षा विभाग से स्कूल की व्यवस्था सुधार करने की मांग भी की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।